आज की ये घटना देश का आम आदमी ही नहीं बल्कि इस देश के सभी MPs, हर मिनिस्टर और शायद प्रेसिडेंट भी टीवी पर ये देख रहे होंगे। उस बोरवेल में अमीर आदमी की बेटी होती तो अब तक शायद सबके स्टेटमेंट्स आ चुके होते, पर चूंकि लड़की पुअर फैमिली से बिलोंग करती है उसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा। यह अमीरी और गरीबी का अंतर युगों से चला आ रहा है। जब किसी अमीर आदमी पे मुसीबत आती है तो नेशनल न्यूज बन जाती है, लेकिन गांव के गरीब पर मुसीबत आती है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। किसी बड़े शहर में अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो उसे नेशनल इशू बना दिया जाता है, पर छोटे कस्बों में छेड़छाड़ हो, रेप हो या फिर लड़की के साथ, तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। आज क्राइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्राइम की लोकेशन या विक्टिम का सोशल स्टेटस है। जमींदार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, जमींदार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, मंत्री जी हाय हाय, मंत्री जी हाय हाय। एक्सक्यूज मी मैम, MLA जी आए। लोकेशन पर पहुंच गया हूं। रखता हूं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम, मुझे तो लगा आप ऑफिस से ऑपरेशन हैंडल कर लेंगी, पर आप तो यहाँ लोकेशन पे हैं। मैडम, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। एक सेकेंड मैडम, आपने प्रेस से कहा कि आप जमींदार को अरेस्ट करेंगी, अच्छी बात है। अब आप चुप रहिएगा मैडम, पब्लिक को मैं समझा दूंगा, बस आप DSP को फोर्स मत करो। आप मेरी बात समझ रही ना? आज जो मैं MLA हूँ उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। रूलिंग पार्टी के आदमी को आप अरेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए थोड़ा संभल के मैडम। मुझे तो ये बताया गया कि लड़की का पिता आपकी पार्टी का वर्कर है। सर। हाँ बोलो। वो औरत पागल है क्या? हाँ, मुझे तेवर दिखाएगी? hey, वो किसी आम सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उससे कहो मुझसे बात करे। अच्छा ठीक है मैडम, मंत्री जी लाइन पर हैं। सर। सुनो। जी बताइए सर। तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है और ना ही जमींदार को अरेस्ट करने की। सर हेलो, हेलो, मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। जाकर अपने मिनिस्टर से कह दो कि आज शाम तक मैं उन्हें अरेस्ट करवा कर रहूंगी। मैडम, आपने जिन गांव वालों को पानी देने की बात की थी, वहां के लोगों को पानी मिल गया है, वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैडम, आपने अपना वादा पूरा किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आप हमेशा खुश रहे। अगर बच्ची जिंदा नहीं बची ना तो तुम सबको इसी जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? बेकार की बातें मत करो, हमें अपना काम करने दो। तू मुझे उंगली दिखा रहा है? मुझे जानता नहीं है तू? मुझे एक एक को देख लूंगा। ये सब ज्यादा यूज दिखा रहे, इन्हें यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं भागेंगे सर, कोई वजह पैदा करनी होगी ताकि हम लोग इन लोगों को बलपूर्वक यहाँ से हटा सके। सर पत्थर मार रहे हैं हम पर। वो पब्लिक है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा बिहेव करोगे? वो लोग ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं ये जानने की कोशिश कीजिए। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करते हैं आप? ये सब कुछ इसी वक्त बंद करवाइए। मैडम, ये गांव वाले एक नंबर के अनपढ़ और गंवार हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। तो मैं खुद जाके उनसे बात करती हूं। आप मत जाइए, मैं धनपाल को भेजता हूं, वो उन्हें समझा देगा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मैं जाकर बात करती हूं। मैडम, वो इस लायक नहीं कि आप उनसे बात करें, उन्हें इज्जत से पेश आना नहीं होता। आखिर क्यों इज्जत करें वो हमारी? तुम चाहते हो कि वो हमसे डर कर रहे? हाँ, तुम्हारे किसी सीनियर ने तुम्हारी इज्जत की है कभी? उनके सामने कभी तेवर दिखाए हैं? किसी से इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देनी होती है। कौन है वहां? डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज बाहर आ जाइए, मैं आपसे ही बात करने आई हूँ। हाँ, अरे कलेक्टर मैडम है,
नमस्ते मैडम। पुलिस ने आपके ऊपर पत्थर क्यों फेंका? पुलिस ने जमींदार और एमएलए के कहने पे सब कुछ किया, ऐसा कब तक चलता रहेगा? जिस पुलिस अधिकारी के कहने पर ये सब कुछ हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई करूंगी, पर आपको भी शांति बनाए रखनी होगी। क्या आप जमींदार को गिरफ्तार करवाएंगी? वो जमींदार तो अरेस्ट होगा ही, आप लोग सहयोग करेंगे तो वो एमएलए भी गिरफ्तार होगा। ये दोनों बातें कभी नहीं होने वाली मैडम। यहां पर तो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रही हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप नहीं पहुंच पाएंगी। पिछले महीने उसके घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी, वहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे, सब लोगों ने जमकर पार्टी की, खूब दावत उड़ाई। अब आप ही बताइए मैडम, कोई उसे अरेस्ट कर सकता है क्या? पिछले महीने उस बोरवेल को बंद करने के लिए कहा गया था, किसी ने बंद नहीं किया। एक गाय गिर गई, उसकी टांग टूट गई। दया नाम की चीज नहीं है किसी के अंदर। एक रस्सी लेके आ गए, आप ही बताइए सिर्फ एक रस्सी से उसे बचाया जा सकता है क्या? आपके कहने का मतलब है कि आप लड़की को बचाएंगी और जमींदार को अरेस्ट करेंगी? हमें मालूम है आप झूठी तसल्ली दे रही हैं, कृपा करके हमें हमारी हालत पर ही हमें छोड़ दीजिए मैडम। मैडम पानी। मैडम पानी, नारियल पानी जितना मीठा था ना, यही पानी पी रहे हैं हम सब लोग। बड़े क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सालों से यही गटर जैसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आधी से ज्यादा बीमारी इसी पानी की वजह से है। मैडम किसी भी तरह उस बच्ची को बचा लीजिए, भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है, उम्र भर आपकी पूजा करेंगे। बच्ची को बचाने के लिए कोई और ऑप्शन बचा है? मुझे क्लियरली बताओ। एक रास्ता है मैडम, एक ऑफिसर है जिसने एक रोबोट बनाया है ऐसी स्थिति के लिए। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बहुत कोशिशों के बाद कल उसका नंबर तो मिला, लेकिन नंबर नॉट रिचेबल मिल रहा है मैडम। आप अगर कहें तो एड्रेस पर ट्रेस करें, उससे मिलने की कोशिश करो। देखिए मैडम, ईस्ट में एक गांव है जहां का वो रहने वाला है, हमने ऑलरेडी वीएओ को उसके घर भेज दिया है। उसे ढूंढकर तुरंत यहां ले आओ, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। ओके मैम। एक बच्ची है जो बोरवेल में फंस गई है, हमने सारी कोशिश कर ली पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। बच्ची अब तक जिंदा है, जितनी जल्दी हो सके उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आपके पास कोई तरकीब है जिससे इस बच्ची को बाहर निकाल सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इंडिकेशन इंजीनियर हूँ। यहाँ की मिट्टी नमी होने से पतला कीचड़ बन चुका है, खोदने से मिट्टी नीचे धंसने का डर है। इसके बजाय बोरवेल के पैरेलल 40 फुट गड्ढा खोदेंगे और सुरंग बनाकर उसे बोरवेल से कनेक्ट करेंगे। मेरे रेस्क्यू टीम का एक मेंबर उस टनल में जाके लड़की को हमारे बनाए गड्ढे तक ले आएगा। Are you sure about it? मेरे ख्याल से उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Okay, make it quick then. Go ahead, carry on. Sure, ma'am. सबको यहाँ से हटाओ। जी सर। I want this place clear. एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको यहाँ से हटाओ। Make everyone move. Come on, come on, move. उस तरफ, उस तरफ। पूरी जगह खाली करो। चलो, हटो, हटो। जाओ, सब लोग जाओ यहाँ से। I want this place clear right now. Thank you.
रुक जाओ। जल्दी बाहर आओ। होना बंद करो। काम छोड़ो। कम आउट राइट नाउ। दे आर कमिंग आउटसाइड। What happened? Ma'am, there is a crack leading towards the child. If the crack increases further, we'll all be in real danger. The faster we evacuate, the better it'll be for all of us. But we are in the middle of the process. How can we lose it? Ma'am, there is no time to panic. We have to stop the process immediately. We are just waiting for your permission. What about the child? Ma'am, there is no choice. For just one life, we can lose many other lives. No, I can't. For safety, you can send the other workers out. But I will not stop this child rescue operation. Ma'am, I was just addressing the problems. Please don't misunderstand me. Okay. Do whatever you have to do. But we cannot stop this. This has to continue. Sure, ma'am. मॉनिटर चेक करो। तंशिका, 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 what's wrong? Check immediately. तंशिका, not able to see anything. कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। No idea what's happening to the child. जल्दी से पानी ले आओ। शांत हो जाओ। मैडम, मैडम, there is no problem there. There's no problem there. The problem is with the camera. कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। Huh?
दंशिका मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है, घबराओ मत प्लीज। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो? तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वाटर, जल्दी से पानी ले आओ, लड़की के ऊपर थोड़ा पानी डालो, जल्दी। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, थोड़ी हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। जल्दी आइए मैडम, उसकी माँ बाप को बताओ, जल्दी जाकर बताओ, सबको नीचे से हटा दो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सब लोग चुप हो जाओ, बच्ची जिंदा है, सब लोग बाहर आओ और खुद ही देख लो। ए, ए, सुनो तुम लोगों ने, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, सुमित्रा हमारी बेटी जिंदा है, सुमित्रा हमारी बच्ची। दंशिका जिंदा है वीरेन, हम तैयार हैं। मैडम ने जो कहा है वो करो, चलो 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 जल्दी। मैडम उसका जाना सेफ नहीं होगा, उन्हें वहाँ जाने से रोकिए, प्लीज कुछ कीजिए। बोरवेल को खुला रखने वाला वो जमींदार था, क्या हम लोग उसे रोक पाए? तो फिर इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम अपनी बच्ची को बचा के रहेंगे। सारी बात इन्हें ही क्यों समझानी पड़ती है? क्या उसे कुछ कहने की हिम्मत थी आपकी? कोई भी साथ नहीं दे रहा, अकेले क्या क्या करूं मैं? अगर आज उस लड़की को नहीं बचा पाए तो उम्र भर अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज मैडम ऐसा मत कहिए। मैडम कम से कम आप तो ऐसी बात मत कीजिए। अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन अपने बच्चों के बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा मैडम। ए, मायूस क्यों होता है? हैं? हम लोग है ना हम लोग? तुम लोग मैडम को नहीं देख रहे? उन्होंने हिम्मत हारी है क्या? हैं? तंशिका को भी यकीन है कि हम उसे बचा लेंगे, तो तू क्यों मायूस होता है? अरे कोई इतनी जल्दी हिम्मत हारता है क्या? हाँ? कोई हमारी मदद करे ना करे, लेकिन हम अपनी बच्ची को जरूर बचा लेंगे। चलो सब लोग मेरे साथ चलो, हम उसे निकालेंगे अपने ही दम पर। आज के बाद किसी भी निश्चर को यहाँ नहीं आने देंगे। असली गुनहगार तुम ही हो, इस देश को चलाने वाले तुम ही हो, इन सब के जिम्मेदार तुम ही लोग हो। चुप रहो तुम, जिंदगी जहन्नुम बना रखी है हमारी, चलो चाहे कुछ भी हो जाए।
कोई शोर नहीं करे यहाँ। मैडम, लड़के की पल्स रेट स्लो है, मुझे डर है कि एमएलए की बात कहीं सच ना हो जाए। लड़का पहले से ही कमजोर है, शरीर और दिल दोनों से, कहीं ये गलत फैसला तो नहीं था। अपने मरते हुए बच्चे को देखकर क्या उसके माँ बाप जिंदा रह पाएंगे? तुम इन लोगों को हारते हुए देख रहे हो, पर मैं इन्हें इन मुश्किल हालातों से बहादुरी से लड़ते हुए देख पा रही हूँ। आज इनकी ही जीत होगी, इनके अंदर मैं हौसला देख रही हूँ। अगर आप में दिल है तो इनकी मदद कीजिए, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर। यहाँ हम लोग गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं हैं। सच कहूँ तो आज इन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हौसले से कुछ भी संभव है। मैं आपको बता दूँ, आपके सामने कोई कलेक्टर नहीं बल्कि एक साधारण औरत खड़ी है, लेकिन कलेक्टर बनके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पावर में रहकर आम इंसान बने रहना कितना मुश्किल हो सकता है। अपने ओहदे को भुलाकर आम नागरिक बनके तंशिका को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मंटू, तुम ही हो जो तंशिका को बचा सकते हो। तुम्हें अंधेरे में डर लगता है ना? तुम कुछ मिनट भी अंधेरे में नहीं रह पाए, तो सोचो तुम्हारी बहन पूरे दिन से उस अंधेरे में पड़ी हुई है, और तुम ही उसे उस अंधेरे से निकाल सकते हो। तंशिका को बचाकर तुम एक इतिहास रच दोगे मंटू। इस देश में जब भी कोई ऐसे हादसे का शिकार होगा और ऐसे रेस्क्यू मिशन्स होंगे, तो उनके लिए मिसाल कायम करोगे। इसलिए कहती हूँ, तुम अपनी बहन को बचा लो। आज तुम सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं बचाओगे मंटू, बल्कि तुम्हारी ये कामयाबी हमारे देश के साइंस की नाकामयाबी को सबके सामने लाएगी। उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस जमीन की गहराई में उतरना चांद तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है, मैं जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ये कर लोगे। जाओ। मैडम, मेरा बेटा जाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को भेजिए। नहीं, मेरा बेटा बचाएगा। मेरा जाएगा मैडम। नहीं, मैं अपने बेटा भेजूंगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा जाएगा। मैडम, मेरा बेटा जाएगा। अब
अपनी बहन को मैं खुद लाऊंगा। तुम उसके पास हो ना? मंटू, मंटू जवाब दो, बताओ उसके पास हो ना? चलो ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, खींचो ऊपर, खींचो मुझे, मैंने पकड़ रखा है। खींचो, 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 खींचो,